भारत का जो स्ट्रीट फूड है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और इंडियन स्ट्रीट फूड में स्वाद का एक ऐसा तड़का है कि पूरी उम्र निकल जाए अलग अलग व्यंजनों को चखने में। और आज मेरे घर का माहौल बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि मेरे आने वाले हैं मेरे कुछ फॉरेनर फ्रेंड्स जिन्होंने इंडियन स्ट्रीट फूड के बारे में काफी सुना है, तो उन्हें हम खिलाएंगे आज इंडिया का मोस्ट फेमस स्ट्रीट फूड जो हम सभी ने खाया होगा, किसी ने गली के नुक्कड़ पर खाया होगा तो किसी ने दुकान पर खाया होगा, जो कि है फेमस छोले भटूरे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया डे पे हमने उन्हें इनवाइट किया था, जो हमारे फॉरेन फ्रेंड्स थे जो हमने लास्ट वीडियो जिनके साथ बनाई थी उनको आज फिर से इनवाइट किया है, तो वो हमारे यहाँ लंच पे आने वाले हैं और उसी की प्रिपरेशन चल रही है। तो आज वो क्या खाएंगे? स्ट्रीट स्टाइल छोले भटूरे विद गुलाब जामुन और विद लस्सी, तो जिसमें कि क्योंकि लस्सी तो होती है ना, बनती है, इसके छोले भटूरे के साथ मजा आ जाता है और मीठे में तो कुछ होना ही चाहिए। और मैं आज छोले भटूरे बनाऊंगी वो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनाने वाली हूँ, जिसमें वो गाजर मूली मिर्च का अचार होने वाला है, चटनी होने वाली है। जल्दी से मैं छोले बना लेती हूँ, यहाँ मैं अपने जल्दी से गुलाब जामुन, और बहुत टाइम लग जाएगा, जल्दी से खाना बनाना है मुझे। रेनू क्या कर रहे हो आप? मैं ऐसे टोपी लगाया हुआ है। ये तो बर्थडे कैप है। अच्छा चलो ठीक है, चलो मम्मा से पूछते हैं, मम्मा क्या कहाँ तक पहुँची? मम्मा कहाँ तक पहुँची? बस मैं छोले की तैयारी कर रही हूँ, छोले बॉईल हो गए हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर अमृतसरी पंजाबी छोले बना रही थी, तो यहाँ पर ना जो सूखे मसाले मैं ऊपर से डाल रही हूँ और तड़का बाद में लगाऊंगी, और नकली मुझे अनारदाना पाउडर मिल गया जो कि इन छोले बनाने का सबसे खास इंग्रेडिएंट है। और यहाँ पर मैं चाशनी बना चुकी हूँ, गुलाब जामुन भी रेडी होने वाले हैं, बस इनको फ्राई करना है और फटाक से रेडी हो जाएंगे। और ये मैंने इस पैकेट से बनाए हैं गुलाब जामुन। ये है गाजर मूली और हरी मिर्च का वो इंस्टेंट अचार। तो अचार देख के वैसे ही लगा ना जैसे बाजार में अचार मिलता है, और यहाँ मैंने तैयार कर ली है छाछ, मसालेदार छाछ, और साथ में यहाँ पर मैंने ना प्याज आलू और गोभी की थोड़ी सी पकौड़ियाँ बना ली है नाश्ते के लिए। और यहाँ पर हम लगाएंगे तड़का इसके बाद छोलों में, क्योंकि वो एक लास्ट काम रह गया, तो यहाँ पर तड़का भी जल्दी से लगा देती हूँ और उसके बाद सारा खाना आई थिंक रेडी हो जाएगा। हो गए यहाँ पर छोले तैयार, बाकी भी सब चीजें दिखा देते हैं एक बार, जब छोले हो गए हैं तो दिखा देते हैं, है ना। देखो छोले तैयार, इधर हमारे देखिए ये प्याज आलू गोभी की पकौड़ियाँ भी तैयार हो गई हैं, यहाँ पर हमारा सैलेड भी तैयार हो गया है, यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन, और यहाँ पर तो हम दिखा ही चुके हैं कि ये हमारा अचार, नीम की बन गई है चटनी मजेदार, तो चटनी को तो फ्रिज में रखते हैं, तो बाकी सब रेडी हो गया है और बस थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। सो एनिस और पेड्रो आ चुके हैं और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय उनके लिए, सो अदरक वाली चाय बन रही है और चलते हैं उनके पास कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अब हाय एनिस, हेलो, सो वेलकम बैक टू आवर होम। चटनी, दिस टाइम आई थिंक द चटनी अ बिट स्पाइसी। तो आज यहाँ पर मैंने चाय के साथ ये जो पकौड़ियाँ बनाई हैं, भजिया बनाई हैं, वो इसलिए बनाई ताकि मैं उन्हें बता सकूँ कि जब हमारे यहाँ पर घटा छाती है ना, बादल छाते हैं, मौसम बहुत सुहावना होता है, तो हमारे यहाँ पर ये कल्चर है कि हम चाय के साथ पकौड़े खाते हैं, और आई एम श्योर कि हर घर में ऐसा होता ही होगा। तो यहाँ हो रही थी अभियान की मस्ती उन लोगों के साथ, और तब तक मैंने तैयारी कर ली भटूरे बनाने की, क्योंकि अब हो गया था डिनर का टाइम। तो यहाँ मैंने फूले फूले गरम गरम भटूरे निकाल लिए हैं, फ्राई कर लिए हैं, और यहाँ पर मैं खाना लगा रही हूँ जो कि स्टील की प्लेट में लगा रही हूँ, और आप छोलों के ऊपर ना वो फ्राई करे हुए आलू देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बनाया है स्ट्रीट स्टाइल छोले भटूरे, पंजाबी छोले भटूरे, तो दिखने में भी वैसे ही दिखने चाहिए जैसे हम खाते हैं ना स्ट्रीट स्टाइल छोले भटूरे खाते हैं जब हम बाहर, तो वैसे ही दिखने चाहिए। यहाँ बनाई थी तो छाछ है, और अब मैंने यहाँ पर सर्व कर दिया है, अब देखते हैं कि उनको कैसा लगता है। छोले भटूरे,
छोले, that's called भटूरे. Okay. And then the pickle, this. And the pickle which I made it, like it's an instant pickle which I made it. Okay. So. And that mostly served with this chole bhature only. So. Yes. Okay. Yes. That and potato. And now you try, and then the other one is buttermilk. And that's buttermilk. So you can have it along with. Along with food. Okay. These are the proper Punjabi food. Punjabi chole bhature. Okay. So let's try this. Yes. Yes. Now you know how to eat it. It's hot. Oh yeah, it's hot. It's hot. Do I? Yes, 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 yes. Up to you. And try this pickle, the carrot. So. I like pickles. Chickpea. Oh. It is delicious. It is delicious. It is delicious. तो ये होता है हमारे हिंदुस्तानी खाने का स्वाद, हमारे स्ट्रीट फूड का स्वाद कि देखिए सूंघने पर मजबूर कर दिया, उंगली चाटने पर मजबूर कर दिया इन्हें. It's an interesting taste. Like, I don't think I've ever had this before. Yes. Is it salty for you? It is this one? It's interesting because it tastes like salty yogurt. So, chole bhature kha liye the aur ab main laga di thi yahan par meetha, meethe mein the gulab jamun. तो बारी है गुलाब जामुन की, तो हमने उन्हें कहा कि एक ही बार में हाथ से उठा के पूरा गुलाब जामुन वन गो में खाना है, तो उन्होंने वैसे ही खाया और उन्हें काफी अच्छा लगा. How is it? I mean it's cake. I like cake, right? But it's cake and it's very juicy. जा चुके हैं और इनेस और पेड्रो को इस बार जो खाना था वो काफी अलग लगा, काफी डिफरेंट लगा और काफी यूनिक भी लगा, क्योंकि पिछली बार हमने उन्हें खिलाई थी ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन थाली और इस बार हमने उन्हें सर्व किया जो हमारा फेमस स्ट्रीट फूड है वो छोले भटूरे. और यही हमारी इंडियन फूड की खासियत है कि हमारे यहाँ पर ना जो करी होती है वो एक जैसी नहीं होती, जैसे फूड चेंज होता है, जैसे सब्जियां चेंज होती हैं, करी बनाने का तरीका चेंज हो जाता है. जैसे अगर मैं बात करूँ छोले की, तो उन्होंने चिकपीस के बारे में सुना था क्योंकि वो लोग सैलेड बनाते हैं, स्प्राउट्स के साथ वगैरह मिला के खाते हैं. छोलों को इस तरीके से खाना, और मैंने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ पर ये एक तरीका है छोले बनाने का, यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज है छोले बनाने की हर शहर में, यू नो, हर जैसे साउथ इंडिया होता है तो छोले डिफरेंट तरीके के बनते हैं, नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट तरीके के बनते हैं, अगर आप वेस्ट या फिर ईस्ट में चले जाएंगे तो डिफरेंट तरीके के बनते हैं. तो ये उनके लिए काफी अलग था ये जानना. और आप देख सकते हैं वीडियो में कि ना एनएस छोलों को मतलब सूंघ के देख रही थी, मतलब इतने सारे फ्लेवर्स उसको पता चल रहे थे, मुंह में थोड़ा सा दालचीनी का स्वाद भी आ रहा था, तो इलायची भी आ रही थी, साथ में अनारदाना पाउडर की थोड़ी सी मिठास आ रही थी, तो खट्टापन अमचूर का आ रहा था, जो कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इसमें डाला क्या. और बार मुझसे पूछते क्या डाला है इसके अंदर, इसमें से एक अलग ही खुशबू आ रही है, अलग ही इसमें टेस्ट आ रहा है. लस्सी की अगर हम बात करें तो क्योंकि उन्होंने जैसे जो छाछ होती है वो तो उनके लिए एकदम ही यूनिक चीज, योगर्ट जो होता है वो काफी फ्लेवर्स में चलता है, लेकिन छाछ को दही को इस तरीके से बनाना जिसमें जीरा हींग का छौंक हो, साथ में पुदीने और कोरिएंडर का एक छौंक लगा हो, तो उसके साथ जब बटर मिल्क पतला पतला और यू नो ग्लास में मिलता है तो वो एकदम उनके लिए यूनिक था पीना. साथ में जब गुलाब जामुन मैंने दिए तो आपने देखा है कि पेड्रो ने बोला कि इट्स लाइक अ केक फॉर मी, बिकॉज उनके लिए गुलाब जामुन उन्होंने कभी देखे ही नहीं. और ये जो इंडियन डेजर्ट है वो अपने आप में इतना यूनिक है कि उनको ने, क्योंकि उन्होंने केक खाया हुआ है तो उनके लिए गुलाब जामुन एकदम डिफरेंट हो गया. रही ने पूरी कोशिश की कि मैं इंडियन स्टाइल और इंडियन स्ट्रीट फूड को इस तरीके से, छोले भटूरे को इस तरीके से उनके सामने प्रेजेंट करूं. मेरा ये स्ट्रीट फूड बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, आपके सामने पूरा तरीके से मैंने उनके रिएक्शन रखे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा तो पिछली बार की तरह खूब प्यार दीजिएगा ढेर सारा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा मैंने बनाया, आप कौन सी जगह के आपको छोले भटूरे पसंद हैं, क्या क्या आपको इस मेरी वीडियो में अच्छा लगा ये जरूर बताइएगा. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ नाइस डे गाइस. बाय बाय.